लेकिन आगे बढ़ते हैं और हम अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी डिस्कस कर लेते हैं अपने पैनलिस्ट के साथ। हमारे साथ विभोर हैं और हमारे साथ किरण हैं। विभोर, चलिए आप बताइए सबसे पहले आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं इस समय। पहला मेरा स्टॉक रहेगा पिरामल फार्मा का। बहुत टाइम बाद जाकर इसमें एक अच्छा खासा मूव आया है। यहाँ पर 3 दिन का एक मल्टीपल इनसाइड बार भी बन रहा था, उसका भी ब्रेकआउट आया, सबसे बड़ी बात विद गॉड वॉल्यूम्स के साथ। कल की वॉल्यूम्स 25 मिलियंस के आसपास थी, गैप अप ओपनिंग भी हुई और सस्टेन भी करा। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 77 रुपीज के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 69 का, टारगेट रहेगा 90 का और सेकेंड टारगेट 100 का। एंड सेकेंड मेरा जो स्टॉक है, हम लोग बस सेक्टर स्पेसिफिक की बात कर रहे थे, राइस सेक्टर का। तो यहाँ पर यह माना जा रहा है कि 20 ईयर्स का ग्लोबल शॉर्टेज आ सकता है, 20 ईयर्स में जो हाईएस्ट ग्लोबल शॉर्टेज आएगा राइस सेक्टर में। तो मेरा पहला पिक, सेकेंड पिक रहेगा एलटी फूड्स का। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 106 पे, स्टॉप लॉस 95, टारगेट 120 एंड सेकेंड टारगेट 130 का। ठीक है, तो ये आपकी दो स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है विभोर की। अब समझ लेते हैं किरण आज किन स्टॉक्स पर बेट कर रहे हैं। किरण बताएं। सो हमारे दो स्टॉक है, एक बाय एक सेल है। सो पहला हमारा जो कॉल बाय है वो फिनिक्स मिल है। रियल एस्टेट में हमने देखा है कि काफी सारे स्टॉक अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल के आसपास और फ्रेश ब्रेकआउट भी दे रहे हैं। सो फिनिक्स मिल का डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट है 1350 के ऊपर, साथ ही साथ एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हम फिनिक्स मिल के ऊपर देख रहे हैं। स्टॉक अपने 20-50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं और मल्टीपल रेजिस्टेंस हम देख रहे थे 1350 उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। तो फिनिक्स मिल 1360 के आसपास का सेटलमेंट था, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1400 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 1340 एज अ स्टॉप लॉस हम फिनिक्स मिल के अंदर मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो एचडीएफसी बैंक है, ये हमारा शॉर्ट कॉल है। हमने देखा कि रिजल्ट के बाद एचडीएफसी बैंक में एक गैप अप ओपनिंग हुई थी लेकिन उसके बाद वो सस्टेन नहीं हुई और वहां पे हम देख रहे हैं एक बेरिश एंगल फिन कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई है डेली चार्ट के ऊपर। साथ ही साथ 1670-1665 एक रेजिस्टेंस जोन है, स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है। सो ओवरऑल एक बेरिश सेटअप है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हम एक शॉर्ट कॉल लेंगे। एचडीएफसी बैंक 1665 के आसपास ट्रेड कर रहा है, हम शॉर्ट करके जाएंगे। 1640 एज अ स्टॉप लॉस सॉरी एज अ टारगेट हम मेंटेन करेंगे एंड 1671 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो एचडीएफसी बैंक हमारा शॉर्ट कॉल रहेगा, फिनिक्स मिल बाय कॉल। तो चलिए ट्रेडिंग आइडियाज में एक शॉर्ट कॉल इस वक्त एचडीएफसी बैंक पर आता हुआ किरण की तरफ से। और ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे फार्मा, जिस पर लगातार हमारा फोकस भी है, और पिछले हफ्ते के ही ट्रेंड की अगर बात करें निफ्टी के मुकाबले फार्मा स्पेस में अच्छा एक्शन इन कंपैरिजन, जहां निफ्टी में 4% की बढ़त हमने देखी है, 8-9% तक की तेजी फार्मा स्पेस में। पिरामल फार्मा जो स्टॉक कल भी चल रहा था विभोर के रेडार पर वो, और रियल एस्टेट सेक्टर से फिनिक्स मिल्स है किरण के रेडार पर। लेकिन जेएलआर जिसका जिक्र भी जुड़ गया है, नरेश मिरानी का स्वागत करते हैं। नरेश, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो टाटा मोटर्स जेएलआर की जो एक खबरें आ रही है, इस पर ही आपका स्टांस हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अब तो ब्रोकरेज हाउसेस की भी रिपोर्ट्स या तो खरीदारी की है या तो आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दे रही है। कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को, और साथ ही आपके ट्रेडिंग आइडियाज मार्केट पर आपकी राय बताइए। सो अगर हम टेक्निकली देखें टाटा मोटर्स को, तो लास्ट जो एक प्राइस और वॉल्यूम अपटेक आया था अराउंड 7-8 डेज बैक, तब 450 का गैप अप था, वहां से स्लोली एंड स्टेडीली 480 तक मूव हुआ था और ओवरऑल 450-55 एक सपोर्ट बन गया शॉर्ट टर्म के लिए। और रेजिस्टेंस भी पहले यही हुआ करता था 450 का जो हाई था 2023 स्टार्ट में। सो ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। 450 के बेस से बाय ऑन डिप्स बनता है और स्टॉप लॉस होगा 440 का। तो पोजिशनल जो 1.5 साल का जो करेक्शन हुआ है स्टॉक में, जो मैसिव मूव आया था 2021 में, उसके बाद 1.5 साल का करेक्शन हो चुका है, कंसोलिडेशन हो चुका है। तो यहाँ पे 440 का स्टॉप लॉस से मीडियम टर्म टारगेट ये रहेगा कि ऑल टाइम हाई भी क्रॉस करे, तो जो ऑल टाइम हाईज आर 600 के पास। सो ओवरऑल बायस पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स है अभी भी। नरेश, ऑफकोर्स टाटा मोटर्स में आप तो 511 के ऊपर के टारगेट्स भी नजर आ रहे हैं, आपके भी रेडार पर है ये स्टॉक, लेकिन इसके अलावा फिर ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे आज के? तो सबसे पहले बाय होगा एक्सिस बैंक पर, जहां पे एक अच्छा करेक्शन आया 970-980 के टॉप के बाद स्टॉक ने करेक्ट किया 820 तक, फिर अब एक साइडवेज कंसोलिडेशन में रहा लास्ट 3 मंथ्स है। इंटरिम हाईज अराउंड 875 है, कल भी 875 के पास आया था, लास्ट 3 दिन से भी वही रेजिस्टेंस है। ये एक ब्रेकआउट मूव यहाँ पे हो सकता है, कल रिलेटिव स्ट्रेंथ भी था स्टॉक में। स्टॉप लॉस होगा 860, टारगेट होगा 920 शॉर्ट टर्म में। दूसरा बाय होगा बलरामपुर चीनी पर, जहाँ पे एक ऑलमोस्ट 10 मंथ्स का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। स्टॉक ने 310-320 में कम से कम 5-6 बॉटम बनाया लास्ट 1 ईयर में, और अगर हम देखें तो
लास्ट 3-6 मंथ्स में मल्टीपल टाइम्स 405-420 के रेजिस्टेंस पे अटका है, और लास्ट कम से कम एक वीक से यहीं पे एक कंसोलिडेशन हो रहा है, रीटेस्ट भी हो चुका 400 का, और अब अगर 420 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक क्विक मूव आना चाहिए 460 तक, स्टॉप लॉस होगा 400 के। ऑलराइट नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बलरामपुर चीनी यानी चीनी की मिठास तो अब भी बनी हुई है, लगातार ये चौथा या पांचवा वीक होगा जब शुगर स्टॉक्स चल रहे हैं और इनके रीजन भी हैं, ठीक है। और अब टारगेट है 460 का, और टाटा मोटर्स पे भी आपका ऊपर का टारगेट है। मुझे याद है आपने इनफैक्ट इस न्यूज से पहले ही शायद 500 का टारगेट दिया था लास्ट 2-3 वीक्स बैक व्हेन वी कनेक्टेड विद यू। शुक्रिया ये सारे स्टॉक्स बताने के लिए। अब आज की बड़ी ब्रोकिंग बोहरा भी जुड़ गए हैं। कुछ गुड मॉर्निंग, निफ्टी 17600 के पास शॉर्ट करें या फिर लॉन्ग, सेंटिमेंट्स क्या बन रहे हैं वीकली एक्सपायरी के दिन, और अपने स्टॉक आइडियाज भी आप बताइएगा। जी हाँ मानसी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आप सभी को और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। ना लॉन्ग करें ना शॉर्ट करें, आज के दिन मेरी राय रहेगी अवॉइड करें। देखिए बहुत सिंपल रीजन है, अगर हम मैक्स पेन थियरी की बात करें तो उसके हिसाब से 17650 का जो ये लेवल है, यहाँ पे यू नो मैक्स पेन है निफ्टी का 42,000 पे, बैंक निफ्टी का है, और अहेड ऑफ द यू नो रिलायंस एंड आईसीआईसीआई रिजल्ट्स, आई थिंक मार्केट वुड नॉट वांट टू डू टू मच। तो जिस तरीके का ऑप्शन सेटअप हम देख रहे हैं, मेरे हिसाब से हो सकता है वंस अगेन एक वेरी टाइट रेंज बाउंड, परहैप्स इवन डल एक्सपायरी हो, गिव और टेक 50 पॉइंट्स का जो रेंज है वही रहेगा ऑन द निफ्टी। तो मेरे हिसाब से अभी भी इंडेक्स मेरे लिए उसी जोन में है जहां पे हल्की सी बायस जो है ये नेगेटिव रह सकती है, बट नॉट बाय मच। तो मैं फिलहाल निफ्टी को यू नो अवॉइड करूंगा। एग्जिस्टिंग पोजिशन 17500 और 17600 के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं इनके हिसाब से होल्ड करें। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी बुलिशनेस है, बट जैसा हम कल बता रहे थे अगर निफ्टी में स्लगिशनेस रहती है तो बैंक निफ्टी ऑल्सो कांट गो टू फार। तो 41800 का सपोर्ट जोन, 42600 का रेजिस्टेंस इस हिसाब से होल्ड करें। सपोर्ट जोन के पास मिले तो यहाँ लॉन्ग कर सकते हैं। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, आई मीन दैट्स अ प्लेंटी। तो सबसे पहले जो मेरा पिक है दैट इज यू नो रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर। स्टॉक में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा था फॉर द लास्ट 4-5 मंथ्स। पिछले दो सेशन में हमने इसमें ब्रेकआउट आते हुए देखा है और कल फॉलो थ्रू भी हमें देखने मिला है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा खासा यू नो अप ट्रेंड यू नो कंटिन्यू रह सकता है। 825 के इमीडिएट टारगेट के लिए से बाय करें, 799 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज ऑल्सो मोर ऑफ एन अपडेट, JBM ऑटो। कल हमने 810 के टारगेट के लिए डिस्कस किया था, टारगेट हिट भी हुआ है, और मेरे हिसाब से यहाँ पे जो मोमेंटम है ये और कंटिन्यू रह सकता है। इसको आप 830 के टारगेट के लिए बाय करें, फ्रेश एंट्री के लिए और यू नो एग्जिस्टिंग पोजीशन दोनों के लिए ही 805 आपका स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा। ऑलराइट, आपके ये स्टॉक्स हैं कुछ।